गुड मॉर्निंग बेटे, आज का अपना टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ की अगर अपन बात करते हैं तो लिम्फ जो होता है बेटा वो कलरलेस मोबाइल फ्लूइड है या वास्कुलर फ्लूइड है जो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो ये जिस वेसल्स के अंदर फ्लो करता है बेटा उसको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और ये लिम्फ जो होता है ना, ये जो इंटरस्टिशियस फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड होता है, मतलब आर्टरी वेन कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अलावा जो हमारी सेल्स हैं उनके बीच की जो स्पेस होती हैं, जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से बेसिकली ये डिराइव होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इट इज़ ए कलरलेस फ्लूइड। जैसे सीरम जो है वो ब्लड से डिराइव होता है, तो वैसे लिम्फ जो होता है बेटा वो इंटरस्टिशियस फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड से डिराइव होता है और अल्टीमेटली ड्रेन हो जाता है किसके अंदर, वीनस ब्लड के अंदर। मतलब फाइनली ये जाके मिलता है किसमें है, ब्लड के अंदर ही मिलता है। इट्स ए पार्ट, मतलब ये ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और ये बेसिकली अगर अपन देखें तो सेल का टिश्यू हुआ, टिश्यू फ्लूइड हुआ, सेल फ्लूइड हुआ, वहीं से ये डिराइव होता है। तो लिम्फ को अपन क्या बोल सकते हैं, लिम्फ इज ए कलरलेस मोबाइल फ्लूइड। क्या होता है लिम्फ? कलरलेस मोबाइल फ्लूइड, ठीक है। ये इसको अपन और क्या नाम दे सकते हैं, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और किस में फ्लो करता है? फ्लो इन अ वेसल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स। तो फ्लो इन ए लिम्फ वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है एंड डिराइव्ड फ्रॉम इंटेस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। इंटेस्टिशियस फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड से डिराइव होता है। कैसे होता है? By means of fine capillaries, ठीक है। वो कौन सी capillaries? Lymph capillaries, and ultimately drain into वीनस ब्लड। और फाइनली किस में ड्रेन हो जाता है बेटा? वीनस ब्लड में ड्रेन हो जाता है। अब अगर अपन लिम्फ को देखें और ब्लड को देखें तो ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, कॉर्पसल्स होती है बेटा उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, प्लाज्मा होता है। वैसे अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ के अंदर ल्यूकोसाइट्स होता है। लिम्फ बेसिकली प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स का बना होता है। लिम्फ के अंदर एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स एब्सेंट होती हैं। तो अपन बोल सकते हैं लिम्फ इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स। लिम्फ किसका बना हुआ है? प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स का बना हुआ है। एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, ये इम्पोर्टेंट है। एरिथ्रोसाइट्स दैट इज RBC एंड प्लेटलेट आर एब्सेंट। इसमें RBC और प्लेटलेट्स जो होती है बेटा वो एब्सेंट होती है, ठीक है। अब अगर अपन ये बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट है ल्यूकोसाइट्स। तो लिम्फ के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स है, लिम्फ के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स है, तो ल्यूकोसाइट्स अगर अपन देखते हैं कि सोर्स या डिराइव्ड कहाँ से होते हैं भाई, जैसे अपने को मालूम है कि इसके अंदर उन्हीं ल्यूकोसाइट्स होती है, ठीक है। तो वो ल्यूकोसाइट्स जो है कहाँ से डिराइव्ड होती है? तो ल्यूकोसाइट दो सोर्स से डिराइव्ड होती है। एक होता है लिम्फ नोड्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स आर derived from
टू सोर्स, फर्स्ट लिम्फ नोड और सेकंड अपन बोल सकते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड। अब ब्लड कैपिलरीज से जो फ्लूइड बाहर निकल के आता है, ल्यूकोसाइट बाहर निकल के आते हैं, तो कौन सी प्रोसेस से आते हैं? वाया डाइपेडियसिस। डाइपेडियसिस का मतलब क्या होगा बेटा? जो कैपिलरीज है उससे जो फ्लूइड बाहर निकल के आता है उसको बोलते हैं डाइपेडियसिस। अब अगर मैं लिम्फ को कंपेयर करूँ प्लाज्मा से, ठीक है, तो लिम्फ के अंदर प्रोटीन जो होता है वो कम होता है, कैल्शियम जो होता है वो कम होता है और फॉस्फोरस भी कम होता है। तो एस कंपेयर टू प्लाज्मा, लिम्फ कंटेन लेस प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस ये सब क्या होता है बेटा? कम होता है, ठीक है। फैट कंटेंट लिम्फ के अंदर मैक्सिमम होता है, फैट कंटेंट जो है ना वो लिम्फ के अंदर जो है मैक्सिमम होता है। फैट कंटेंट बेटा लिम्फ के अंदर मैक्सिमम क्यों होता है? अपने को ये मालूम है कि जब हम कोई भी फूड को इंटेक करते हैं उस फूड के अंदर जितना भी फैट होता है उस फैट का जब डाइजेशन होता है तो एब्जॉर्प्शन जो है वहाँ पे विलाई जो है वो एब्जॉर्प्शन में टेक पार्ट करती है, तो वहाँ पे लैक्टिल्स होता है, वो एक लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है। तो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लैक्टिल्स के थ्रू, मतलब लैक्टिल्स के थ्रू जाएगा बेटा। तो इसीलिए अगर अपन देखेंगे तो लिम्फ जो है इसके अंदर फैट कंटेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम फैट कंटेंट जो होता है वो किसके अंदर होता है बेटा? लिम्फ के अंदर होता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम फैट कंटेंट इन लिम्फ। लिम्फ के अंदर मैक्सिमम क्या है? फैट कंटेंट है। और ये कहाँ से आता है बेटा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से। कहाँ से आता है बेटा? ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से ये जनरली आता है, ठीक है। अब आते हैं यार, जो लिम्फ है उस लिम्फ का फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ लिम्फ। देखिए लिम्फ की अगर फंक्शन की बात करते हैं बेटा, तो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सारे लार्ज मॉलिक्यूल, चाहे वो प्लाज्मा हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, तो लार्ज मॉलिक्यूल प्लाज्मा प्रोटीन हो या कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल हो बेटा, ठीक है, या मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जिनको लीवर जो है वो सिंथेसाइज करता है, उन सबको पिकअप कौन करता है बेटा? वो सब पिकअप होते हैं बेटा लिम्फ के द्वारा, और फिर लिम्फ जो होता है वो किसको सप्लाई कर देता है? ब्लड को सप्लाई कर देता है। दैट मीन्स लिम्फ एक्ट एज एन मिडिल मैन। तो क्वेश्चन आता है यार, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। क्यों? जितना भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जिनको लीवर या अदर ऑर्गन जो है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बेटा जो है प्रिपेयर कर रही है, उनको पिकअप कौन करेगा? लिम्फ पिकअप करेगा, और लिम्फ फाइनली किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर आता है लार्ज मॉलिक्यूल। तो लार्ज मॉलिक्यूल की जब अपन बात करेंगे बेटा, तो लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर अपन क्या देखेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर पिक्ड अप बाय लिम्फ फॉर
पैसेज टू ब्लड। देखिए जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हुआ या कोई दूसरे अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सिंथेसिस जो है लीवर या अदर कोई बॉडी पार्ट करता है, तो वो पिकअप होते हैं बेटा किसके द्वारा, लिम्फ के द्वारा, और किसको पास हो जाते हैं, ब्लड को। किसको पास हो जाते हैं वो, ब्लड को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। तो प्लाज्मा प्रोटीन और अदर मैक्रो मॉलिक्यूल जो लीवर से या अदर बॉडी पार्ट जो है बेटा वो सिंथेसाइज करता है, उसको पिकअप कौन करेगा, उसको पिकअप लिम्फ करेगा, और लिम्फ फाइनली किसको दे देगा बेटा, ब्लड को दे देगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, ये लिम्फ का एक फंक्शन है। लिम्फ की अगर अपन दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो जैसे हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, ठीक है, अपने को ये मालूम है हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। अपन ने ये पढ़ा है क्या, जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो वाया ब्लड जो है अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। तो वो जो वाया ब्लड अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है तो ब्लड में हार्मोन्स को मिक्स कराने का काम कौन करता है, ये काम भी लिम्फ करता है। तो अपन बोल सकते हैं हार्मोन्स जो है सबसे पहले लिम्फ में जाते हैं और लिम्फ के बाद में ये किसके पास जाते हैं, ब्लड के पास में। तो हार्मोन्स आर फर्स्ट पास्ड इनटू लिम्फ बिफोर दे आर कैरिड बाय ब्लड, ठीक है। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो पहले लिम्फ में पास होते हैं, उसके बाद ही बेटा वो किसके पास में जाते हैं, ब्लड के पास में जाते हैं। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरे फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो तीसरा फंक्शन होता है कि जितनी भी फैट ड्रॉप्स हैं, ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो विलाई होती है, विलाई के यहाँ पे जो लैक्टिल्स होती है वहाँ से बेटा जितने भी फैट्स वगैरह हैं इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन रोल प्ले करता है बेटा, लिम्फ कैपिलरीज। कौन रोल प्ले करती है, लिम्फ कैपिलरीज। तो हमारे अंदर जितनी भी फैट ड्रॉप्स हैं, तो ये फैट ड्रॉप्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से क्या होंगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। दे आर एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्री कैनाल। तो अपन बोल सकते हैं फैट ड्रॉप्स के लिए कि यहाँ पर इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके द्वारा होगा बेटा, लैक्टिल्स के द्वारा। तो फैट्स इज absorbed from elementary canal by lymph, ठीक है, capillaries called lactates, ठीक है। मतलब जितनी भी फैट ड्रॉपलेट्स हैं बेटा उन सब का जो एब्जॉर्प्शन है वो एलिमेंट्री कैनाल से होगा। कौन करेगा बेटा, लिम्फ कैपिलरीज, और उसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टिल्स। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फैट ड्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगला फंक्शन आता है बेटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर गैसेस भी आ गई और दूसरे भी जो वेस्ट प्रोडक्ट आ गए हैं, ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है इनको पिकअप कौन करेगा, लिम्फ करेगा, और लिम्फ पिकअप करके किसको सप्लाई कर देगा, ब्लड को सप्लाई कर देगा, फिर ब्लड उसको ले जाके किडनी के पास लेके जाएगा। तो फाइनली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी बनेगा सेल के पास में, वो सेल उसको इंटस्टिशियस फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर डालेगी, वहाँ से इसको कौन पिकअप करेगा, लिम्फ पिकअप करेगा, लिम्फ पिकअप करके किसको दे देगा, फाइनली बेटा ब्लड को दे देगा, ठीक है। तो जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है उस वेस्ट को कौन पिकअप करता है, लिम्फ पिकअप करता है, और लिम्फ उसको किस में ड्रेन कर देता है, ब्लड के अंदर। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ए पार्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 आर पिक्ड अप फ्रॉम
टिश्यू, बाय लिम्फ एंड सप्लाई टू ब्लड फॉर ड्रेनेज। ब्लड को सप्लाई कर देता है ताकि वो सब बाहर चला जाए। तो वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है कौन? लिम्फ। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, मैंने आपको बताया था बेटा, जब हम लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं बेटा, तो लिम्फोसाइट्स जो हैं ये WBC की एक टाइप है। WBC दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती है बेटा, है ना। तो अपन ने अलग अलग देखा था, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स जो है बेसिकली WBC का एक पार्ट है, इट्स अ टाइप ऑफ WBC। ये लिम्फ नोड और जितने भी लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो लिम्फोसाइट लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस्ड होके पास्ड होता है लिम्फ इनटू ब्लड, और फाइनली किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। तो जो लिम्फोसाइट्स है जो अपने बॉडी के अंदर इम्यूनिटी में भी हमारे अंदर हेल्प करती है, इम्यूनिटी अपने को प्रोवाइड करती हैं, तो वो लिम्फोसाइट्स की अगर अपन बात करेंगे बेटा, तो वो भी प्रोसेस्ड कहाँ पे होगी, लिम्फ नोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। लिम्फोसाइट्स आर प्रोसेस्ड बाय लिम्फ नोड एंड अदर लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड सेम आर देन पास्ड बाय लिम्फ इनटू ब्लड, ठीक है। बाद में उसको लिम्फ जो है वो किस में पास कर देता है, ब्लड के अंदर, ठीक। अगला फंक्शन आता है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। लिम्फ जो होता है ना बेटा, ब्लड के वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम कम अगर हो जाता है, ठीक है, या ज़्यादा अगर हो जाता है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने में, जनरली कम को जो है डिक्रीज अगर हो जाता है कि बहुत सारा प्लाज्मा जो बाहर चला गया, तो ये कम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अपन बोल सकते हैं लिम्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम विच डिक्रीज ड्यू टू सीपेज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, जो प्लाज्मा के सीपेज होने के कारण कम हुआ है, तो उसको भी क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर अगला अगर अपन देखेंगे बेटा, तो ये क्या करता है, ब्लड की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। पैथोजन जो होता है उससे भी ये हेल्प करता है अपने को। पैथोजन जो है फॉरेन पार्टिकल्स, वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आसानी से चले जाते हैं, और लिम्फ वहाँ पे कौन बैठा हुआ है, लिम्फोसाइट्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो क्या कर देता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर अपन पैथोजन्स की बात करते हैं पहले, पैथोजन्स जो भी पैथोजन्स होते हैं बेटा,
तो लिम्फ की जो कैपिलरीज होती हैं उससे आसानी से पास हो जाते हैं, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज जो होता है उसकी परमेबिलिटी नॉर्मल कैपिलरीज के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से उसको कहाँ लेके जाते हैं, लिम्फ नोड के पास में, लिम्फ नोड के यहाँ पे जो WBC बैठी है वो क्या कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो पैथोजन एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स इजीली पासेस इनटू लिम्फ ड्यू टू हायर परमेबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। दे आर टेकन टू लिम्फ नोड फॉर देयर डिस्ट्रक्शन। पैथोजन जो है उसके ऊपर भी ये हमला करती है, कौन, लिम्फ, मतलब लिम्फ जो है इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है बेटा, डिस्ट्रक्शन करने में हेल्प करता है, फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। दूसरा, अगर एक्सिस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होकर डाइजेस्टिव ट्रैक से, एक्सिस में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होकर डाइजेस्टिव ट्रैक से, तो उसको कौन पिकअप कर लेता है, लिम्फ कर लेता है, और फिर लिम्फ उसको धीरे धीरे ब्लड में मिलाता है। एकदम ऐसा नहीं होता कि आपने 1 लीटर पानी पी लिया, 1/2 लीटर पानी पी लिया तो आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि फाइनली ये जाएगा किसके पास में, ब्लड के पास में जाएगा। जो भी आप वाटर को इनटेक करोगे, कुछ करोगे, तो फाइनली वो जो है ब्लड के पास में क्या होगा बेटा, रिलीज होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाता है वो। उसके लिए कौन मदद करता है, लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, धीरे 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 उसको ब्लड में देता है, वो ब्लड धीरे धीरे किडनी से क्या कर देता है, उसको फिल्टर कर देता है, मतलब एकदम वो वॉल्यूम को बढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सिस में वाटर आ गया, अगला है एक्सिस वाटर। अगर अपन एक्सिस वाटर की बात करते हैं, तो जैसे अपने को मालूम है एक्सिस वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज picked up by lymph for slow release into blood, ठीक है। This allows the kidney to वर्क स्मूथली। इसके कारण जो किडनी है ना बेटा, वो स्मूथली क्या करती है, अपना वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। अब जो लिम्फ है वो जिस सिस्टम के अंदर फ्लो करता है बेटा, ठीक है, तो लिम्फ के फ्लो करने का एक सिस्टम होता है जिसको बोला जाता है बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जहाँ फ्लो करता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगला टॉपिक आता है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। अपने को ये मालूम है कि जो हमारे अंदर फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, जो ब्लड हमारे अंदर सर्कुलेट हो रहा है, उसके अलावा एक एसेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर होता है जो इंटरस्टिशियस स्पेस जो है वहाँ से फ्लूइड को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ। और ये जो लिम्फ होता है इसके फ्लो होने के लिए हमारे पास में लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिम्फ नोड हुआ, थाइमस हुआ, बोन मेरो हुआ, स्प्लीन हुआ, ठीक है। तो एक पूरा एक सिस्टम बनता है बेटा जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। तो जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक एसेसरी सिस्टम है बेटा,
ठीक है, फॉर फ्लूइड सर्कुलेशन, ठीक है, जो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस सिस्टम के अलावा एक एसेसरी मतलब एडिशनल सिस्टम है, तो इट इज एन एसेसरी सिस्टम ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन इन विच टिश्यू फ्लूइड कलेक्टेड फ्रॉम इंटेस्टिशियल स्पेस इज पास्ड इनटू ब्लड। क्या बोल रहे हैं, ये एक एसेसरी सिस्टम है बेटा फ्लूइड सर्कुलेशन का, जिसमें जो टिश्यू फ्लूइड है जिसको आपने कलेक्ट किया है इंटरस्टिशियल स्पेस से उसको किस में पास कर देता है, ब्लड के अंदर उसको पास कर देता है। अब अगर अपन बात करें क्या लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ होता है, लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ लिम्फ वेसल्स। लिम्फ का बना होता है, लिम्फ वेसल्स होगी इसके अंदर, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। कौन कौन से लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, ये 12th क्लास में भी आएगा बेटा, लिम्फ नोड, थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन, ये सब क्या है बेटा, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। दिस आर द लिम्फेटिक ऑर्गन्स, इन सबको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फ नोड, थाइमस, बोन मैरो और स्प्लीन। इनको अगर अपन देखते हैं बेटा तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, दो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो दो लार्ज डक्ट बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिम्फ वेसल्स फॉर्म टू लार्ज डक्ट, दो डक्ट बनाती हैं बेटा लार्ज वाली, इनको बोलते हैं एक को थोरेसिक डक्ट एक होती बेटा थोरेसिक डक्ट और दूसरी होती है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक। ये जो अपना चेस्ट वाला जो एरिया है या जो अपना ये दोनों लंग्स के बीच में जो एरिया है, यहाँ पर बेटा अपने को थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट्स मिलती हैं और ये ओपन होती हैं दोनों की दोनों, जो हमारे गर्दन के यहाँ पे सब क्लेवियन वेन है, ठीक है, या ब्रेकियोसिफेलिक वेन है उसके अंदर ये ओपन हो जाती हैं। तो लेफ्ट और राइट सब क्लेवियन और ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर क्या हो जाती है बेटा, ये ओपन हो जाती हैं और वहाँ से फिर ये जिस भी इनका कंटेंट है उसको वापस से हार्ट के पास पहुंचा के बॉडी में सर्कुलेट करा देती हैं। तो अपन बोल सकते हैं दे ओपन इन लेफ्ट एंड राइट सब क्लेवियन, जो हमारी क्लेविकल बोन होती है ना वहाँ की जो वेन होती है उसको सब क्लेवियन बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है ब्रेकियो या ब्रेकियोसिफेलिक वेन, ब्रेकियो सिफेलिक वेन, मतलब ये किसके अंदर ओपन हो जाती हैं, सब क्लेवियन और ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर बेटा ये ओपन हो जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम के बाद में जो अगला टॉपिक आता है बेटा वो आता है सर्कुलेटरी पाथवे।
आपने 9th-10th क्लास के अंदर भी में भी पढ़ा होगा कि दो टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, उस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली एक स्पेस, जो लार्ज स्पेस या कैविटी या साइनसस या लेकुना जो होता है उसके अंदर फ्लो करता है, और जितनी भी सेल्स होती हैं लिविंग सेल्स वो सब उसके अंदर बात करती हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई कैपिलरीज वगैरह नहीं है, और उसी फ्लूइड से जो फ्लूइड कैविटी के अंदर, लेक्यूनास के अंदर, साइनसस के अंदर फ्लो कर रहा है, उसी से न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होना, गैसेस का एक्सचेंज होना, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होना, सारी चीज़ें बेटा उसी से हो जाती हैं। तो वो जिस कैविटी लार्ज स्पेस के अंदर भरा होता है, तो आर्थ्रोपोड्स वगैरह के अंदर अपन उसको क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हीमोसिल बोलते हैं अपन उसको। हीमोसिल कैविटी उसके अंदर होती है। हीमोसिल का मतलब होता है उसके अंदर ब्लड भरा हुआ होता है। अब ब्लड तो कैविटी के अंदर भरा हुआ है, अब वहाँ बार बार उस कैविटी में ब्लड को पहुँचाने के लिए एक पंपिंग स्टेशन लगेगा, तो इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो भी स्पेस है उस स्पेस के अंदर आर्टरी के थ्रू, ठीक है, आर्टरी के थ्रू क्या करेगा बेटा, ओपन एंडेड आर्टरीज होती हैं इनके अंदर, उससे ब्लड जो है उनके अंदर ड्रेन करेगा, ठीक है। मतलब इनके अंदर कोई ऐसा क्लोज चैम्बर नहीं है कि ब्लड वापस से, एक फिक्स पाइपलाइन अगर अपन देखें तो फिक्स पाइपलाइन इनके अंदर नहीं है, ओपन नाला है, उस नाले के अंदर ही सारी चीज़ें बह रही हैं, वहीं से जिसको काम काम की चीज़ें उठाना है वो वहीं से उठा ले, जिसको डालना है वेस्ट उसके अंदर डायरेक्टली उसके अंदर वेस्ट को डाल दें, ठीक है। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हुए बेटा, या जितने भी मोलस्कास हुए, ट्यूनिकेट्स हुए, उनके अंदर पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके अंदर सर्कुलेशन के लिए पाइपलाइन, कैपिलरीज, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हार्ट, हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, ऐसा पूरा सिस्टम बना होता है, ठीक है। तो पूरा हमारे अंदर एक क्लोज सिस्टम के अंदर ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है, लेकिन जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, उनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो सर्कुलेटरी पाथवे की अगर अपन बात करते हैं, तो दो टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपन बोल सकते हैं सर्कुलेशन पाथवे, ठीक है। तो दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अपन बात करेंगे तो क्या नहीं होता, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो ऐसा सिस्टम जिसमें ओपन स्पेस में जो है वो ब्लड जो है फ्लो करेगा, तो इट्स ए ब्लड वास्कुलर सिस्टम वेयर ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेस। ब्लड जो है वो ओपन स्पेस, ना तो कोई कैपिलरीज होगी इसके अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर ब्लड जो है वो ओपन स्पेस में क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अपन बोल सकते हैं इट इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम वेयर ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेस, ठीक है, लाइक साइनसिस एंड लेक्यूने, सो दैट ब्लड डायरेक्टली बाथ द लिविंग सेल्स, ठीक है। कैपिलरी इसके अंदर नहीं होती हैं, कैपिलरीज डू नॉट ऑकर्स इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कैपिलरी नहीं होती हैं, ठीक है।
तो इनके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। इनके अंदर सेपरेट टिश्यू फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है, कैपिलरी नहीं है इनके अंदर, तो इनके अंदर सेपरेट टिश्यू फ्लूइड भी क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। इनके अंदर सेपरेट टिश्यू फ्लूइड अपने को देखने को नहीं मिलेगा। सो ए सेपरेट टिश्यू फ्लूइड इज एब्सेंट, इनके अंदर एक सेपरेट टिश्यू फ्लूइड बेटा देखने को नहीं मिलेगा, इनके अंदर सेपरेटली टिश्यू फ्लूइड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है अब वो डायरेक्ट होगा, तो देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों का बेटा डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, ठीक है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गन टिश्यू एट्सेट्रा, ठीक है। अब ऐसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर मिलता है बेटा अपने को, तो अगर अपन एग्जांपल देखें इसका, तो इसका एग्जांपल में कौन आता है, आर्थोपोडा। आर्थो मींस जॉइंट, आर्थो मींस जॉइंट, पोडा मींस लेग, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जॉइंटेड लेग मिलते हैं। तो जितने भी आपके कॉकरोच हुआ, क्रैब हुआ, प्रॉन हुआ, उसके बाद में मॉस्किटो हुआ, जिनके अंदर भी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, आप मच्छर को मारो आपके पूरे हाथ में बेटा खून आ जाता है। क्यों आ जाता है बेटा, आपका भी कि आपने भाई को थप्पड़ मारो आपके हाथ पे खून आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्लोज चैम्बर के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो आपने मच्छर को मारा तो आपके पूरे हाथ में खून आ गया, क्योंकि उसके अंदर ब्लड जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। तो मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स नॉन सिफेलोपोड्स मोलस्का एंड ट्यूनिकेट्स, ठीक है बेटा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल ध्यान रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। और अगर अपन देखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिनके अंदर होता है, तो उनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उसको बोला जाता है हीमोसील, क्योंकि उसके अंदर ब्लड होता है। तो द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हीमोसील, क्या बोलते हैं बेटा उसको, हीमोसील, एज इट कंटेन ब्लड, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, इसीलिए बेटा उसको क्या बोलते हैं अपन, हीमोसील। और हार्ट प्रेजेंट होता है फॉर पंपिंग द ब्लड, एंड ए हार्ट इज प्रेजेंट फॉर पंपिंग द ब्लड इनटू ओपन एंडेड, बेटा जिसमें कोई एंड्स नहीं हो, आर्टरीज दोनों साइड से खुली हो उसके अंदर, ठीक है। और यहीं से सारी चीज़ों का क्या होगा बेटा, एक्सचेंज वगैरह जो भी होगा वो सब यहीं से होगा, मतलब इनके अंदर जो भी एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, सारी चीज़ें वो सब उस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसी फ्लूइड से होगा, सेपरेट टिश्यू फ्लूइड इनके अंदर नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बेटा अगले लेक्चर में अपन देखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक कैसे एक पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर जो हार्ट से कनेक्टेड है, पाइपलाइंस कनेक्टेड है, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी